बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साहब शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में मैं आपको ऑटो फॉर्मेट अप्लाई करना बताऊंगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो अप्लाई आप फॉर्मेट को कैसे करेंगे। यहाँ पर तो एक्सेल के अंदर अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास जो डाटा गिवन है आप इसके अंदर जो है वो ऑटो फॉर्मेट अप्लाई करें फॉरन से, तो आप यहाँ पर किस तरीके से वो काम करेंगे। अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखें जो आपके पास फॉर्मेट का सेक्शन है, अगर आप यहाँ से फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे तो इसमें आपको बहुत सा टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए फॉर्मेट्स मिले, आप उन फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट अप्लाई कीजिए। तो आपने करना क्या है कि आप यहाँ पर जो है पहले एक रेंज सेलेक्ट करें जितने रेंज के ऊपर आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से ऑल्टर ओ ए आपने प्रेस करना है, आपने कीबोर्ड से ऑल्टर ओ ए प्रेस करना है। तो यहां देखें आपके पास ऑटो फॉर्मेट का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। अब यहां देख सकते हैं आपको डिफरेंट जो है आपको फॉर्मेट नजर आ रहे हैं। यहां से कोई भी एक फॉर्मेट जो है आप सेलेक्ट करके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया और इसको आप कर देंगे यहां से ओके। जैसे ही आप करेंगे तो देखिए यहां पर आपके पास वो फॉर्मेट जो है वो ऑटो अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप ऑटो फॉर्मेट शॉर्ट की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।